गन से, बुलेट से, और जो उनके पास और अलग तरीके के हथियार होते हैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। वो जो है खतरों से मुकाबला कर रहे हैं, वो अपनी आधी से ज़्यादा नस्ल को बर्बाद कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, सब जगह वो ख़त्म कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं अपनी आधी से ज़्यादा नस्ल को। क्यों? क्योंकि वो लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, अपनी ख़वातीन को, अपनी इज्जतों को बचाने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, वो हर वक्त तैयार रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको आज़ादी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंडिया का कब्ज़ा है, और इंडिया और इसलिए कब्ज़ा है क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, और मुसलमान को जीने का हक नहीं। आप कुर्सी पर कुर्सी में हाथ रखिए, कुर्सी में आते हैं ना, ये अब इस तरह हाथ दिलाओ। और इसलिए क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, और मुसलमानों को जीने का हक नहीं है, उनको आज़ादी नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि वो खुदा को अपना खुदा मानते हैं, ना कि बुतों की पूजा करते हैं, और ना ही वो सांप को अपना खुदा मानते हैं, और ना ही वो बंदरों की पूजा करते हैं, ना वो चांद को पूछते हैं, ना वो सूरज को पूछते हैं। वो सिर्फ एक खुदा को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। लेकिन वहाँ का जो मोदी है, जो पीएम है, वो जो है बहुत ज़्यादा हिटलर का किरदार अदा कर रहा है इस वक्त। आपके अंदर शेरी मजारी पूरी आ चुकी है।